धर्मशाला साल 2001 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी नायक। इस मूवी में एक दिन के लिए एक पत्रकार को सीएम की कुर्सी दी गई थी। ये तो रियल लाइफ का सीन था, लेकिन कांगड़ा में कुछ इसी तरह का रियल लाइफ सीन देखने को मिला है। दरअसल एसडीएम कांगड़ा जतनलाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाली अपने दफ्तर के चपरासी की बेटी को एक दिन की एसडीएम बनाया है। बेटी ने मेरिट में 34वां स्थान हासिल किया है। 14 साल की हिना ठाकुर सुबह 11 बजे से एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी हैं और अब दिन भर का काम काज देख रही हैं। एसडीएम जतनलाल हिना के साथ मौजूद हैं। हिना ऑफिस की बैठकें एसडीएम के मार्गदर्शन में ले रही है, साथ ही जो भी लोग समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं उन्हें एसडीएम के मार्गदर्शन में सुलझा रही है। हिना ठाकुर का कहना है कि उनके लिए सपने की तरह है और वे काफी खुश हैं। एसडीएम सर ने मुझे सपना दिखाया है, मैं उसे पूरा करूंगी। हिना ने कहा कि वे बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। हिना गुरुदत्त एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ती हैं और मूल रूप से शिमला जिले की रहने वाली हैं। पिता यहां नौकरी करते हैं और किराए पर रहते हैं। मेरा नाम हिना ठाकुर है और मैंने 10th में जो 94% मार्क्स सिक्योर किए हैं, और ये सोच मेरे पिता ने मुझे दी थी कि आईएएस बनना है, तो मैं इसी से ही बचपन से इंस्पायर होती गई हूँ। और आज जो है मुझे कांगड़ा के एसडीएम श्री जतन लाल जी ने आज एक दिन का एसडीएम बनाया है, तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ का। मैं मतलब जिसे मतलब लोग सेटिस्फाइड हों और उनकी मतलब अच्छे से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो इसी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मतलब आज सुबह से हमारे सामने मतलब दो इशू आए थे, और एक लैंड डिपार्टमेंट का आया था कि और एक जो है वो रोड का आया था, उसने रोड ब्लॉक कर दिया और वो जाने नहीं दे रहा है, तो फिर हमने वो रीडर के पास भेजा। तो इस चीज़ से मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ कि मतलब क्या क्या वर्क होता है। एसडीएम जतनलाल ने बताया कि मुझे दफ्तर के कर्मचारी ने बताया कि उसकी बेटी ने 10वीं में 94% अंक हासिल किए हैं, तो मुझे लगा कि उसे सम्मानित किया जाए, साथ ही उसे करियर के बारे में गाइड किया जाए। बेटी को जब सम्मानित करने के लिए कार्यालय बुलाया तो उसने बताया कि वे आईएएस बनना चाहती हैं। फिर मैंने सोचा कि हिना को एक दिन की एसडीएम बनाया जाए। मुझे लगा कि बेटियों को प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि वे बेटों से कम नहीं हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बस यही सोचकर हिना को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया गया है ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। एसडीएम ने बताया कि हिना ही सब कुछ संभाल रही है और वे उसे केवल गाइड कर रहे हैं। मैं बस एक्चुअली में कहा कि मेरे जो कर्मचारियों ने मुझे बताया था कि उनकी डॉक्टर के 94% मार्क्स आए, तो मैंने उनको आज यहाँ बुलाया था कि हम इसको ऑफिस में सम्मानित करेंगे, और इससे मैं पूछूंगा कि इसके करियर में क्या ऑप्शन है, उनको थोड़ा गाइडेंस दें। और जब मुझे पता चला कि उनका सपना आईएएस बनने का है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा उस सपने को आज एक दिन के लिए जितना मैं कर सकता हूँ अपने तरफ से वो मैं बनाऊँ, और एक मैसेज जो सोसाइटी को भी कि जो लड़कियाँ उनको प्रमोट किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए, और वो किसी भी तरीके से बेटों से कम नहीं होती है, उनको पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनाना चाहिए और उनको हमेशा इंकरेज करना चाहिए। और इवन हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वो भी इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरह बढ़ाएँ और किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट करें। और बस इसी सोच के साथ मैंने सोचा कि एक दिन ऐसा करते हैं कि जो बेटी है हमारी वो अपना एक सपना जिए, और जो बाकी माँ बाप और जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिल सके, और इस माहौल में जब इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कुछ कुछ पॉजिटिविटी मिल सके, बस इसी सोच के साथ मैंने जैसे मैं अपने अपॉर्चुनिटी के लिए बच्चे को भी प्रोत्साहित किया है, मुझे इस बारे में खुशी हुई है ताकि और बच्चों को भी इसके बारे में गाइडनेस मिले और बच्चे भी मेहनत करने वाले पहुँचने की कोशिश करने की। शुरू से जब मैंने नौकरी पर लगा उसी वक्त से मुझे मेरा सपना था कि मैं बच्चे को अच्छे अच्छे पढ़ाई करूँ, अच्छे अच्छे करूँ, ताकि उस पर कार्य करने की क्षमता।